सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और दबाइए नोटिफिकेशन बेल को और पाइए मेरे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप सभी का स्वागत आपके ही अपने क्या और कैसे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नॉमिनेक्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और नॉमिनेक्स टोकन और यूएसडीटी पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करके एनएमएक्स एलपी टोकन को स्टेक करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एनएमएक्स डेफी में स्टेकिंग करने के लिए आपको जरूरत होगा बाइनेंस स्मार्ट चेन के वॉलेट का। नहीं बनाया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें बताया है कैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन का वॉलेट बनाना है। आप अपना बाइनेंस स्मार्ट चेन का वॉलेट बनाएं, वहां बीएनबी क्वाइन को सेंड करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्टेकिंग करने के लिए आपको जरूरत होगा यूएसडीटी का, तो आपको जाना है बाइनेंस स्मार्ट चेन के वॉलेट में और ब्राउजर में और वहां पे pancakeswap.finance का साइट ओपन करना है, ठीक है। सबसे पहले यहां कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा, कंफर्म करेंगे, pancakeswap जो है आपके वॉलेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देन ट्रेड के ऑप्शन पे आना है, एक्सचेंज के ऑप्शन पे। यहां आपका बीएनबी क्वाइन शो करेगा, ठीक है, जितने आपके पास होंगे। यहां सेलेक्ट अ करेंसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यूएसडीटी सर्च करना है। यूएसडीटी आएगा, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहां आपके पास जितना बीएनबी क्वाइन होगा उसमें से थोड़ा सा रहने देंगे, क्योंकि यहां पे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे कि आपका अभी यहां पे एक्सचेंज होगा, उसके बाद यूएसडीटी से आप एक्सचेंज करके एनएमएक्स टोकन लेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, स्टेक करेंगे, वहां से आप अपने अर्निंग को विड्रॉ करेंगे, तो हर चीज के लिए आपको यहां पे ट्रांजैक्शन फी लगेगा। वो बहुत ही कम लगेगा, लेकिन वो सारा बीएनबी क्वाइन में लगेगा, तो आपके पास बीएनबी क्वाइन भी होना चाहिए, ठीक है। यहां मैं 0.6 बीएनबी को एक्सचेंज कर रहा हूं यूएसडीटी में, देखिए मुझे मिलेगा 199.96 यूएसडीटी। स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म स्वैप, पॉपअप आएगा, उस पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे और आपका जो है यहां पे स्वैपिंग हो जाएगा, आपका जो है यूएसडीटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं, देखिए ट्रांजैक्शन कंफर्म्ड हो गया है। यहां देखिए बैलेंस शो कर रहा है यूएसडीटी में 200 point something, पहले से थोड़ा बहुत था, ठीक है। अब आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नॉमिनेक्स का रेफरल लिंक मिलेगा, उसे कॉपी करना है। आपको जाना है बाइनेंस स्मार्ट चेन के वॉलेट में और वहां ब्राउजर पे आपको पेस्ट कर देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करना है, यहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, एक अच्छा सिक्योर पासवर्ड बनाना है। यहाँ मेरा रेफरल आईडी रहेगा 87135, इसे एज इट इज रहने देंगे। टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मेल पे आपको रिसीव होगा नॉमिनेक्स के तरफ से एक ईमेल, ठीक है, उस पर वेरिफिकेशन लिंक होगा, उस पर क्लिक करना है, आपका जो है ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। देन आपको आना है अगेन टॉप पे और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। देन साइन इन पे क्लिक करना है। ये सारा काम यहां के बाद से आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन के वॉलेट पे ही करना है। आप नॉमिनेक्स में रजिस्ट्रेशन किसी भी वॉलेट में, किसी भी वेब ब्राउजर में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के वॉलेट, चाहे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, जिसमें भी करना हो, सिर्फ उसी में होगा, ठीक है।
आप अपने अकाउंट में लॉग्ड इन हो जाएंगे। देन यहां देखिए डेफी एनएमएक्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, माय एनएमएक्स में आपको क्लिक करना होगा और सबसे पहले अपने यूएसडीटी से आपको जो एनएमएक्स टोकन लेना होगा, कितना का, 50% का। जैसे कि मेरे पास 200 point something यूएसडीटी है तो मैं 100 यूएसडीटी का जो एनएमएक्स टोकन लेता हूं, कितना मुझे मिलेगा, 20 point इतना। स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंफर्म, यहां आपका स्वैपिंग हो जाएगा। देखिए अब मेरे पास बच गए इतने यूएसडीटी और इतने एनएमएक्स टोकन आ गए। देन आपको अगेन टॉप पे आना है, डेफी एनएमएक्स और लिक्विडिटी पूल पे जाना है। अब आपको ये जो भी शो करेगा एनएमएक्स पे, इस पे क्लिक कर देंगे, मैक्सिमम जो है यहां पे आ जाएगा। देन ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, मतलब कि एनएमएक्स टोकन और यूएसडीटी के पेयर में आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दें। कंफर्म, समझे, जो यूएसडीटी आप लेंगे उसका टोटल का आपको एनएमएक्स नहीं लेना है, सिर्फ 50% का, ठीक है। अब देखिए यहां पे मेरा जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड हो गया है। अब मुझे जाना है स्टेकिंग पे। यहां देखिए डेफी एनएमएक्स और पर्सनल फार्मिंग जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहां देखिए इतने एनएमएक्स टोकन है मेरे पास, इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे सादा आ जाएगा। देन अप्रूव, जो भी पॉपअप आएगा उसे साइन इन करेंगे, कंफर्म करेंगे, ठीक है। देन स्टेक, कंफर्म, यहां देखिए मेरा स्टेकिंग हो गया, ठीक है। यहां देखिए मेरा स्टेकिंग से अर्निंग हुआ है इतना 0.452 एनएमएक्स, ठीक है, ये अर्निंग हुआ है। इसे विथड्रॉ करना चाहे तो क्लेम एनएमएक्स पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, कंफर्म करेंगे, ये जो है विथड्रॉ हो जाएगा। देन उसे मुझे एक्सचेंज करना होगा यूएसडीटी में, और फिर यूएसडीटी में रहने दे सकते हैं या फिर बीएनबी क्वाइन, जिस पे चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं विथड्रॉ नहीं करूंगा, अभी मैं क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो है प्राइस बहुत बढ़ने वाला है। यहां देखिए आपका नीचे आएंगे माय पर्सनल फार्मिंग स्टेट्स पे शो करेगा आपका कितना एनएमएक्स एलपी टोकन का स्टेकिंग है, ठीक है, सारा चीज आपका क्या लेबल वगैरह है सब कुछ यहां पे शो करेगा। और आपका जो प्राइमरी पूल से अर्निंग होगा, बोनस पूल से, वो यहां पे शो करेगा। यहां देखिए माय स्टेट्स है, इस पे चलते हैं और चेक करते हैं सारा कितना मेरा यहां पे डिपॉजिट वगैरह है। देखिए अनक्लेम्ड रिवार्ड्स इतना है और ये जो मुझे रिसीव हुआ है टोटल बैलेंस, ये जो है मेरा अर्निंग है होल्डिंग बोनस वगैरह से, ठीक है। यहां देखिए पर्सनल फार्मिंग से मेरा इतना अर्निंग आया है, होल्डर बोनस से इतना अर्निंग आया है, टीम फार्मिंग से इतना आया है और रेफरल फार्मिंग से इतना आया है। मैंने जो स्टेक किया उससे ये अर्निंग मिला, मैंने जो लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है उससे ये अर्निंग मिला है, ठीक है। जितना लंबा टाइम तक मेरा लिक्विडिटी रहेगा उतना ज्यादा मुझे यहां से अर्निंग मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ये टीम फार्मिंग है, मतलब बाइनरी से अर्निंग मिल रहा है, और ये मेरा डायरेक्ट रेफरल से अर्निंग मिल रहा है, ठीक है। ये सारा चीज रहा, यहां पे इतना ही चीज है। मान लीजिए आपने यहां इन्वेस्टमेंट किया, आपको लगता है कि आपको यहां से एग्जिट हो जाना चाहिए, तो पर्सनल फार्मिंग पे जाएंगे, देन अनस्टेक के ऑप्शन पे जाएंगे,
और ये सारा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 100% अनस्टेक करेंगे। ये जो है एलपी टोकन अनस्टेक हो जाएगा और यूएसडीटी और एनएमएक्स में बैलेंस मिल जाएगा आपको। देन एनएमएक्स को एक्सचेंज कर लेना यूएसडीटी में, और फिर आप चाहें तो यूएसडीटी को बीएनबी वगैरह हम कर सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज में, और वहां से आप इंडियन एक्सचेंज में लेके आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए ट्रेड एंड अर्न का ऑप्शन है, यहां पे रेफरल प्रोग्राम का ऑप्शन है, इस पे आपको जाना है। यहां देखिए आपको आपका रेफरल लिंक मिलेगा, इसे कॉपी कर लेना है और जिसे ज्वाइन कराना है उसके साथ शेयर कर देना है, ठीक है। उसके इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलेगा कमीशन वगैरह। एक और चीज है यहां, ये देखिए रेफरल ट्री में आपको जाना है और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, उसे लेफ्ट राइट और रैंडम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपके जो मेंबर ज्वाइन करेंगे वो आपके लेफ्ट में आएंगे या राइट में, जैसा आपको सही लगे, जो भी आपका वीक साइड है उसे आप सेलेक्ट करके रख दें। तो फिर आपको जो है एक तरफ से स्पिल ओवर मिलेगा, दूसरे तरफ से आपका अपना ज्वाइनिंग होगा, उधर का जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा स्टेकिंग होगा उससे जो अर्निंग होगा उस पर आपको यहाँ पे अर्निंग मिलेगा, ठीक है, या फिर रैंडम सेलेक्ट करके रख दें। एक जो है आपका रेफरल लेफ्ट में आएगा, देन नेक्स्ट राइट में, फिर नेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में आएगा, फिर नेक्स्ट राइट में, इस तरह से। मुझे उम्मीद है कि नॉमिनेक्स के रिगार्डिंग सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है कमेंट में बताएं, पर्सनली व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, और मेरे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में जान सकें और वो इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सकें। आप शेयर करेंगे तो सिर्फ दूसरे लोगों को ही बेनिफिट नहीं होगा, आपको भी होगा, क्योंकि जितने ज्यादा यहाँ मेंबर्स आएंगे, जितना ज्यादा बाइंग और होल्डिंग होगा एनएमएक्स टोकन का, उतना ही ज्यादा प्राइस बढ़ेगा एनएमएक्स टोकन का। और अगर आप यहाँ पे उसे बाय करके रखे हुए हैं उसमें अर्निंग कर रहे हैं तो आपको बाद में अच्छा रिटर्न मिलेगा। चैनल के साथ बने रहें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।